सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल टैग विद संजय को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, तो फिर से हम लोग आ गए हैं और एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे जेब पे का जो है एक नया ईमेल आया हुआ है और साथ ही साथ वहाँ पर एक कॉन्टेस्ट रखा गया है कि भाई 7 लोगों को जो है प्राइसेस दिया जाएगा। तो वो कॉन्टेस्ट क्या है और किस तरह से आप उसको पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप क्या क्या प्राइस जीत सकते हो, क्या क्या उसका जो है पॉलिसी है, चलो देखते हैं और बात करते हैं फुल डिटेल में और समझते हैं, देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे मिलता रहे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी पता चल सके। तो सबसे पहले हम लोग अपना मेल पर चलते हैं। तो यहाँ पर मेल जो है मैंने यहाँ पर खोल के रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि भाई जेब पे जून ट्रेडिंग चैलेंज इस ईयर, तो चैलेंज आपको दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया डियर मेंबर, जेब पे चैलेंज है न्यू लेवल इस जून के लिए ही है, ठीक है। इस जून महीने में आप ये जो है कंटेस्ट में जो है भाग ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने डिटेल में रख के रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर तो ये जो डायरेक्शन होगा आपका 1 जून से जो है 30 जून तक जो है ये चलेगा और इसी का अंदर में जो है आपका काउंटिंग होगा कि भाई आपने कितना ट्रेड किया है और ट्रेड करने का जो है यहाँ पर देखिए हाउ यू कैन क्वालिफाई टू विन। तो यहाँ पर जो है ट्रेड ए टोटल वॉल्यूम ओवर 50 करोड़ एक्रॉस ऑल जेब पे ट्रेडिंग पीयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बिटकॉइन का INR है, इथर का INR है और USDT का INR है। तो इन तीनों में जो है आपका कंटेस्ट होगा। तो अगर आप बिटकॉइन खरीदते हो या फिर इथर खरीदते हो या फिर USD खरीदते हो तो आपका जो है सब कुछ काउंटिंग होगा कि आपने कितना ख़रीदा और कितना आपने बेचा, दोनों का जो है आपका यहाँ पर हिसाब होगा, ठीक है। और टोटल जो है यहाँ पर 50 करोड़ और लेक्रॉस जो है जेब पे का जितना भी यूजर्स है तो शायद 50 करोड़ का जो है टोटल होना चाहिए सबको मिला के, ठीक है। INR पर ओनली इंडिया के लिए शायद, उसके बाद एटलीस्ट जो है कम से कम जो है 35 करोड़ तो पहुँचना चाहिए। जो भी आप लोग भोल जो है मतलब आप जितना डिपॉजिट करते हो वही यहाँ पर अमाउंट बता रहा है, ठीक है। टोटल भोल का मतलब जो है आप जितना डिपॉजिट करते हो, सोचो आपने 1 लाख किया, दूसरा ने 10 लाख किया, 5 लाख किया, सब कुछ मिलाकर जो है इतना होना चाहिए जितना भी यहाँ पर बिटकॉइन का यूजर्स है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मेकार का देखिए यहाँ पर 0 फी कर दिया गया है। आप अगर इस जून महीने में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका जो है 0 मेकार फी आपका जो है यहाँ पर पकड़ा जाएगा और साथ ही साथ जो है यहाँ पर फुल मंथ का जो है यहाँ पर देखिए मेकार का 0 0 ही है और बाकी जो है टेकर का 4 है, ठीक है, और बाकी इधर में 1 1 और यहाँ पर 0 है। तो रिवॉर्ड क्या क्या मिलेगा आपको, ठीक है, रिवॉर्ड क्या क्या मिलेगा वो बताता हूँ मैं आपको। रिवॉर्ड जो है सबसे पहले आपको रोनाल्ड का केविट का जो है एक कार होता है तो वही आपको यहाँ पर फर्स्ट प्राइस मिलेगा और सेकंड प्राइस जो है यहाँ पर BMW का जो है G1030 GS, मतलब ये जो है बाइक होगा शायद, तो आपको जो है सेकेंड प्राइस में बाइक मिलेगा BMW का। और 3 नंबर में जो है कॉम्बो मिलेगा, दो चीज़ मिलेगा, आप ले सकते हो एप्पल आईफोन 12 Pro Max, ठीक है, नहीं तो आप ले सकते हो मैकबुक प्रो M1, उसका साथ आप यहाँ पर जो है जो दूसरा वाला है वो ले सकते हो, आप एयरबुक ले सकते हो एप्पल का, ठीक है, मैकबुक एयर, और इसका साथ मिलेगा एप्पल का जो है M1 चिप भी मिलेगा, ठीक है, 31 इंच 8 GB रैम और 256 GB का SSD, या फिर आप ले सकते हो एप्पल वॉच। तो आप यहाँ पर जो है ये एप्पल वॉच और मैकबुक इन दोनों में से एक को चूज़ करना पड़ेगा और इधर में जो है आपको आईफोन 12 मैक्स प्रो या फिर आपको मैकबुक प्रो M1 चाहिए, तो यहाँ पर जो है आप एक एक करके ले सकते हो, ठीक है। और 4 नंबर में मिलेगा यहाँ पर आपको, यहाँ पर टोटल आपको 2 ही चीज़ मिलेगा, ठीक है, 3 नंबर में 2 ही चीज़ लेना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल अगर मैं लेता तो भाई अगर मुझको मिलता तो मैं यहाँ पर लेता आपका एप्पल का आईफोन का 12 मैक्स प्रो, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं लेता ये वाला लेता मैकबुक एयर लेता साथ एप्पल का M1 चिप के साथ, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ जो है मैं लेता अगर मुझे मिलता तो। उसका बाद रॉयल एनफील्ड का जो है यहाँ पर जो है आपको क्लासिक का मिलेगा 4 नंबर में और 5 नंबर में जो है सोनी का जो है आपको एक कैमरा मिलेगा लेंस का, ठीक है, और 6 नंबर में जो है यहाँ पर देखिए ओनली एक ही चीज़ मिलेगा यहाँ पर एप्पल का ये जो M Max प्रो जो है 12 का जो होता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा या फिर आप ले सकते हो मैकबुक प्रो M1, इन दोनों में से एक ही यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद 7 नंबर में आता है आपका न्यू एप्पल मैकबुक एयर विथ एप्पल M1 चिप, ठीक है, 7 नंबर में ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कीप इन माइंड भी बोला है कि भाई बोथ मेकार एंड टेकर भोल आर कंसीडर, ठीक है, दोनों का भी जो है कंसीडर होगा मेकार और टेकर का।
और साथ ही साथ केवाईसी वेरीफाई जेब पे मेंबर ओनली जो है केवाईसी वेरीफाई लोगों को ही मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने केवाईसी वेरीफाई नहीं किया है तो आपको जो है यहाँ पर नहीं होगा। अगर आपने केवाईसी वेरीफाई करके रखा है तो आप ऑटोमेटिक जो है इस कॉम्पिटिशन में जो है एंटर हो चुके हो जून 1 तारीख से, ठीक है। तो अगर अभी से अगर आपने ट्रेड करना शुरू कर दिया, खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है, तो आपको जो है जितना आप खरीदोगे या फिर जितना आप डिपॉजिट करोगे और सेल करोगे तो उसका हिसाब से जो है आपको जो है यहाँ पर प्राइस दिया जाएगा। वो भी आपको टॉप 7 में आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप टॉप 7 में आओगे तभी आपको यहाँ पर प्राइस मिलेगा। तो यही सब चीज़ जो है और विनर जो है यहाँ पर अनाउंस ऑन 5th of July, तो 5 जुलाई को जो है आपको यहाँ पर अनाउंस कर दिया जाएगा कि भाई विनर कौन है, ठीक है। प्राइस विल बी योर इन एडिशनल ऑन एनी प्राइस मनी विल बी अदर प्रमोटेड। तो अगर आप ये जो है अभी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, इस कंपटीशन में आप अगर भाग ले रहे हो और अगर कोई दूसरा कंपटीशन भी चल रहा है जेब पे में, तो आप दोनों में जीतने का चांस जो है रखते हो, ठीक है। दोनों भी आप प्राइस जीत सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपने इसमें ज्वाइन किया है और साथ ही साथ दूसरा भी एक खेल रहे हो तो भाई आपको एक मिलेगा एक नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप जितना भी वहाँ पर कंपटीशन चल रहा है तो आप दोनों में अगर भाग ले सकते हो, दोनों में भी प्राइस जीत सकते हो, ठीक है। कोई भी एक में जो है आपको जो है ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई एक में ले रहे हो दूसरे में आपको नहीं मिलेगा, तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो यही सब जो है चीज़ है भाई यहाँ पर। तो अगर आप भी करना चाहते हो और प्राइस जीतना चाहते हो तो भाई आप जो है ट्रेड करो, जितना हो सके डिपॉजिट करो, खरीदो बेचो। और ख़रीदने के लिए मैंने बोला है ओनली 3 चीज़ है, बिटकॉइन, इथर और USDT। इन्हीं तीनों में जो है आपको जो है इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ओके, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल में नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। तो वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।